एज अ यूथ जो मैंने यहाँ पे इनिशिएटिव स्टार्ट किया उस टाइम पे आई डिडंट गॉट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनीवन। एज अ मैंने खुद ही सिंगल हैंडेडली यहाँ पे एक्टिंग स्कूल्स के लिए इन्वेस्ट में कर रहा हूँ एंड इवन सिनेमाज के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड उसमें गवर्नमेंट को लोकेशन आइडेंटिफाई करनी बहुत ज़रूरी है कि देखिए अगर सिनेमा हम स्टार्ट करेंगे उन सब चीज़ों के लिए हमें दो चीज़ें देखनी है, पहले लोकेशन एंड सिक्योरिटी। विदाउट सिक्योरिटी एंड लोकेशन ये पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ पे सिनेमाज एस्टैब्लिश करें एंड उसमें गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट चाहिए एंड वी आर वेरी मच विलिंग टू गिव ऑल द फैसिलिटीज़ टू जे एंड के यूथ। मैं अभी डिस्कस करूँगा ये गवर्नमेंट के साथ ये इनिशिएटिव जो हम सिनेमाज का कर रहे हैं लाइक यहाँ पे कश्मीर में, बिकॉज़ यहाँ पे ये सब फैसिलिटीज़ है नहीं। बहुत टाइम से हम कह रहे हैं कि सिनेमा खुलेंगे, बहुत टाइम से यहाँ पे बातें हो रही है बट ग्राउंड पे कुछ हो नहीं रहा है। बट यस आई केम बैक, अभी हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे गवर्नमेंट से ताकि हम यहाँ पे सिनेमाज सेटअप वापस करें, रिवाइव करें। एंड बॉलीवुड तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे रिवाइव हो। एज अ यूथ आई एम कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स रिवाइविंग बॉलीवुड एंड यहाँ के डेवलपमेंट में मैं अपना जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है मैं दे रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे शूटिंग्स हो, बॉलीवुड यहाँ पे वापस आए, बिकॉज कश्मीर इज हेवन। यहाँ पे जो हमारा ब्यूटी है, हमारी ब्यूटी है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, वो शायद ही कहीं और हो। फिल्म पॉलिसी बनी, गवर्नमेंट ने फिल्म पॉलिसी लाई बट इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उस फिल्म पॉलिसी को हम जब तक ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट ना करें तब तक चीज़ें डिफ़िकल्ट है। कि ये दो चीज़ें हैं, ड्रग्स अलग चीज़ है और सिनेमा अलग चीज़ है। सिनेमा इज़ आर्ट, इट्स एंटरटेनमेंट। यहाँ जो फैसिलिटीज़ हम लोगों के पास नहीं है लाइक बेसिक फैसिलिटीज़, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया यहाँ पे कोई एक्टिंग एकेडमी नहीं थी, कोई स्कूल नहीं थे, कोई सिनेमा नहीं थे, बट मैंने वो परस्यू किया। बट यस आज चाहते हैं कि लाइक यहाँ के यूथ को हर एक फैसिलिटीज़ हो। सिनेमा एक एंटरटेनमेंट है, उसको आप ड्रग्स के साथ नहीं जोड़ सकते। देखिए ड्रग जो है ये बहुत एक कंसर्न है सबके लिए, लाइक हमें इसके खिलाफ बहुत एक मिलके एक आवाज़ उठानी चाहिए। जो ड्रग्स है जिस वजह से हमारा यूथ आज ख़त्म हो चुका है, यहाँ का कश्मीर में मैक्सिमम ड्रग्स का कंजप्शन होता है एंड गवर्नमेंट को इसके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक एक्शन उठाना चाहिए। एंड एज मैं एक लाइक एक मैसेज यहाँ के यूथ को देना चाहूँगा कि दैट हम भी बहुत जल्दी एक ड्राइव स्टार्ट करेंगे ड्रग्स के खिलाफ, जिसमें यहाँ के यूथ को एटलीस्ट अवेयरनेस हो कि ड्रग्स की वजह से उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उनकी फैमिलीज़ ख़त्म हो जाएंगे। एंड आप ज़िंदगी को चुनिए, ड्रग्स को नहीं चुनिए, बिकॉज ड्रग्स में आपका कोई भी फ्यूचर नहीं है। रिलीजियस स्कॉलर्स का, रिलीजियस लीडर्स का बहुत ज़्यादा रोल है, एक सिविल सोसाइटी का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, एज़ कम्पेयर टू जो हम कहते हैं कि ये सिर्फ पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुलिस की ये खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है, एक सिविलियन सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि वो एक सिविल तरीके से वो ऐसे यूथ्स को समझाए, उनको रास्ते पर लाए।